click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. Well, ये तो मानना पड़ेगा कि खिलाड़ी कुमार ने वो कर दिखाया जो खुद ना सुल्तान कर पाए और ना बादशाह। अब आप सोच रहे होंगे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं हम, तो चलिए जनाब हम बताते हैं आपको। Well, अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा वो पहली हिंदी मूवी है जो 2017 के ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शामिल हुई है। हाँ, बाहुबली द कंक्लूजन भी इस लिस्ट का हिस्सा है, पर वो तेलुगु मूवीज का पार्ट थी। फाइनली अक्षय ने 2017 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी और वो भी जॉली एलएलबी 2 के हिट के बाद। अब ये बात तो साफ है, खिलाड़ी कुमार सच में बॉक्स ऑफिस खिलाड़ी निकले, क्यों है ना। अब अगर हम मूवी की कलेक्शंस की बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा बड़े आराम से करीब 80 करोड़ की कलेक्शन अपने पहले हफ्ते में कर लेगी, या क्या पता उससे भी ज्यादा। अब वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने अभी तक टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।